हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रोशिए से डोरी कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। डोरी को हम कॉर्ड भी कहते हैं। डोरी को हम बेबी फ्रॉक्स, बेबी कैप, बेबी बूटीज़, पर्सेस, बैग्स, जैकेट्स, श्रग्स, पॉन्चोस और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। डोरी की मोटाई वुल साइज़ और क्रोशे के हुक साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हम मोटा वुल लेते हैं तो मोटी डोरी बनेगी और पतला वुल लेते हैं तो पतली डोरी बनेगी। आज मैं यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के डोरी के पैटर्न्स लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑरेंज डोरी को बनाएंगे। इस डोरी पैटर्न को आईकॉर्ड भी कहते हैं। ये डोरी बनने के बाद गोल दिखती है और इसमें सब तरफ से चेन स्टिच दिखती है। इस डोरी को हम ज़्यादातर पर्सेस और बैग्स में यूज़ करते हैं। इस डोरी को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई में मीडियम थिकनेस का ऑरेंज कलर में वुल लिया है और क्रोशे का 4 mm का हुक लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस ऑरेंज धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। अब इसके बाद हम ये जो दूसरी चेन है इसमें क्रोशे के हुक को डालेंगे और धागे को इस दूसरी चेन में से निकालेंगे। अब हमारे क्रोशे के हुक पर 2 लूप्स हैं। अब हम इसी तरह से तीसरी चेन में से क्रोशे के हुक को डालेंगे और धागे को इस तीसरी चेन में से निकालेंगे। अब हमारे क्रोशे के हुक पर ये 3 लूप्स हैं। अब हम ये जो पहले 2 लूप्स हैं इन्हें हुक से उतार लेंगे और इन्हें हम पकड़ के रखेंगे इस तरह से। अब हम धागे को हुक पर लेंगे और इस पहले लूप में से इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से ये जो दूसरा लूप है इसमें से धागे को निकालेंगे इस तरह से, और इस तीसरे लूप में से भी धागे को निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे क्रोशे के ऊपर फिर से 3 लूप्स आ गए हैं। अब हम फिर से पहले 2 लूप्स को निकालेंगे और इसके बाद धागे को इस पहले लूप में से निकालेंगे, फिर से दूसरे लूप में से निकालेंगे और इसी तरह से इस तीसरे लूप में से फिर से धागे को निकाल लेंगे इस तरह से। हमें इसी पैटर्न को अब रिपीट करना है। फिर से हम पहले 2 लूप्स को निकालेंगे, धागे को पहले लूप में से निकालेंगे, फिर दूसरे लूप में से निकालेंगे और अब फिर से हम इस तीसरे लूप में से निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ इस डोरी पैटर्न में हमें इसी स्टेप को रिपीट करना है। ये पहले 2 लूप्स को उतार लेना है और अब हम धागे को ऊपर लेकर इस पहले लूप में से निकालेंगे। अब ये जो दूसरा लूप है इसमें से हम धागे को निकाल लेंगे और इसी तरह से तीसरे लूप में से भी धागे को निकाल लेंगे। हमारी डोरी इसी तरह से बनती जाएगी। इन पहले 2 लूप्स को हुक से उतारते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये खुल ना जाए। हम इसके लिए स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम आसानी से इस डोरी को बना सकते हैं। इस डोरी पैटर्न में सब तरफ से चेन स्टिच दिखती है और ये डोरी धीरे धीरे गोल बनने लगती है। अब हम फिर से इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। ये पहले स्टिच में से धागे को निकालेंगे, दूसरी स्टिच में से धागे को निकालेंगे, तीसरी स्टिच में से धागे को निकालेंगे और इस डोरी को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो डोरी को मैंने फिनिशिंग देने के लिए नॉट बनाई है इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे क्रोशे के हुक पर 3 लूप्स हैं, तो अब ये पहले 2 लूप्स में से धागे को निकालेंगे और 1 लूप बनाएंगे और अब हम इन 2 लूप्स में से निकालते हुए इसे 1 लूप बना लेंगे। अब इसके बाद 1 चेन बनाएंगे। अब हम ये जो स्टिच है इसमें 1 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसी स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे
अब इसके बाद एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर एक ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो धागे को हम दो बार हुक पर लेंगे और ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इन सभी स्टिचेस की लंबाई अलग अलग है, तो इसी तरह से हमारी नॉट बनेगी। तो ये ट्रेबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसी स्टिच में फिर से हम रिवर्स में अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अब हम इसी स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए ये इस तरह से स्टिच को जॉइन कर लेंगे। अब हम धागे को काट लेंगे। और एक चेन बनाते हुए बंद कर लेंगे इस तरह से। तो अब ये हमारी नॉट तैयार हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशे बनाया, फिर हमने हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर एक ट्रेबल क्रोशे, और फिर हमने एक डबल क्रोशे बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाया, फिर सिंगल क्रोशे बनाया, और फिर स्लिप स्टिच करते हुए हमने स्टिच जॉइन की और एक चेन से इसे बंद कर दिया। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड की नॉट को भी कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम ग्रीन डोरी पैटर्न को बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो ग्रीन धागा है इसे हम काफ़ी सारा एक तरफ निकाल लेंगे। ये इस धागे को एक तरफ निकाल लेंगे और इसके बाद अब हम इस धागे के बीच में एक स्लिप नॉट बनाएंगे। हमने एक तरफ काफ़ी सारा धागा निकाल लिया है क्योंकि हमें ये जो डोरी पैटर्न है ये दो धागों से बनाना है। तो यहाँ पर ये हमने एक तरफ धागा निकाल लिया है। अब हम हमारे पास दो धागे हैं तो ये जो बाईं ओर का धागा है इसे हम क्रोशे के हुक पर लेंगे ये इस तरह से। अब हम दूसरे धागे को हुक पर लेते हुए दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम इस धागे को क्रोशे के हुक पर लेंगे और दूसरे धागे को इन दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे। फिर से हम धागे को क्रोशे के हुक पर लेंगे और दोनों लूप्स में से दूसरे धागे को निकाल लेंगे। हमें इसी स्टेप को रिपीट करना है और इसी तरह से हमारी डोरी बनती जाएगी इस तरह से। इस डोरी को हम बेबी कैप्स, बेबी फ्रॉक्स, बेबी बूटीज़ में यूज़ करते हैं। अब ये फिर से हम ये इस तरह से पहले दो लूप्स बनाएंगे फिर दूसरे धागे से दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे। ये एक बहुत ही इजी पैटर्न है और ये डोरी बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरह से। इस डोरी पैटर्न में हमें जितनी बड़ी लंबाई की डोरी बनानी है हम उसी हिसाब से शुरुआत में धागा अलग से निकालेंगे। अब हम इस डोरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये जो मैंने फिनिशिंग के लिए नॉट बनाई है तो हम अब इस नॉट को कैसे बनाना है ये देखेंगे। मैंने डोरी कंप्लीट कर ली है क्योंकि हमारे पास ये इतना ही धागा बचा है। अब हम ये जो दूसरा धागा है इसे काट लेंगे और एक चेन बनाकर इसे बंद कर लेंगे। नॉट बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रीन धागे को ये जो डोरी का एक एंड है यहाँ पर जॉइन कर लेंगे
इस तरह से। अब हम तीन चेन बनाएंगे, तो ये एक, दो और ये तीन। अब यहाँ पर हम इस नॉट के डिज़ाइन को पफ स्टिच में बनाएंगे। तो अब हम धागे को हुक पर लेंगे और ये इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। अब हमारे क्रोशे के हुक पर ये पहले तीन लूप्स थे, फिर अब पांच लूप्स आ गए हैं। अब हम फिर से एक बार और ये आखिरी की स्टिच में से धागे को निकाल लेंगे। अब हमारे क्रोशे के हुक पर टोटल सात लूप्स हैं। अब हम ये बाईं तरफ के धागे को इस तरह से पकड़ के रखेंगे और धागे को इन सभी लूप्स में से निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये जो साइड का लूप है इसमें से हम क्रोशे के हुक को डालेंगे और धागे को निकाल लेंगे। अब हमारे क्रोशे के ऊपर दो लूप्स हैं, इन दो लूप्स को एक लूप बना लेंगे। तो ये इस तरह से नॉट की ये जो पहली लीफ है ये तैयार हो गई है। अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे और ये स्लिप स्टिच करते हुए इस तीन की चेन को जोड़ लेंगे। ये इस तरह से ये एक पत्ती हमारी बन गई है। अब हम दूसरी पत्ती के लिए सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे। अब हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। उसी स्टिच में हम ये एक बार धागे को निकालेंगे। अब तीन लूप्स हैं। अब दूसरी बार धागे को निकालेंगे तो अब ये पांच लूप्स बन गए। और फिर से तीसरी बार धागे को निकालेंगे तो हमारे पास टोटल सात लूप्स क्रोशे के हुक पर आ जाएंगे। अब हम बाईं तरफ से धागे को इस तरह से पकड़ के रखेंगे और सभी लूप्स में से धागे को निकालेंगे और ये जो लूप है इसमें से निकालते हुए दो लूप्स और दो का एक लूप। इस तरह से हमने ये दूसरी पत्ती भी बना ली है। अब हम तीन चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस तीन की चेन को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये हमारी दूसरी लीफ भी तैयार हो गई है। हमारा नॉट का डिज़ाइन बन गया है। अब हम धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए बंद कर लेंगे इस तरह से। यदि हम नॉट के लिए कोई बड़ा फूल या पॉम्पॉम बना रहे हों तो हम सबसे पहले डोरी को पिरो लेंगे और उसके बाद ही हम फूल या पॉम्पॉम को बनाएंगे। अब हम वाइट डोरी को बनाएंगे। इस डोरी को रोमेनियन कॉर्ड भी कहते हैं। इस डोरी का ज़्यादातर यूज़ पर्सेज और बैग्स में स्ट्रैप्स के तौर पर होता है। इसे बेल्ट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। साथ ही में इसके अलग अलग कलर के ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इस डोरी में मैंने सैंपल के लिए एक तरफ नॉट की जगह पॉम पॉम और दूसरी तरफ फ्लावर का डिज़ाइन बनाया है। हम अपनी चॉइस के हिसाब से नॉट का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस कॉर्ड के लिए भी मैंने 4 प्लाई में मीडियम थिकनेस का वुल लिया है और 4 mm का क्रोशे का हुक लिया है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम दो चेन बनाएंगे, तो ये एक और ये दो। अब हम ये पहली चेन को छोड़ देंगे और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो स्टिच का वी शेप है हम इसे देख सकते हैं। इसके नीचे ये जो स्टिच है तो अब हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और ये जो स्टिच है इसमें हम क्रोशे के हुक को डालेंगे। तो अब हमारे क्रोशे के हुक पर दो लूप्स हैं। अब हम धागे को हुक पर लेंगे और पहले लूप में से इसे इस तरह से निकाल देंगे। अब फिर से हमारे क्रोशे के ऊपर दो लूप्स हैं। अब हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे एक लूप बना लेंगे, तो ये इस तरह से।
अब यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं स्टिच का जो वी शेप है। अब इस वी के नीचे दो स्टिच हैं। अब हम फिर से इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और क्रोशे के हुक को इन दोनों स्टिचेस में से निकालेंगे। अब हमारे पास ये टोटल तीन लूप्स हैं। अब हम धागे को हुक पर लेंगे और पहले दो लूप्स में से इसे इस तरह से निकालेंगे। अब हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए इन दो स्टिचेस का एक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हम फिर से इसे रोटेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वी स्टिच है इसके नीचे दो स्टिचेस हैं। हम फिर से इसे रोटेट करेंगे और इन दो स्टिचेस में क्रोशे के हुक को डालेंगे। और इसी स्टेप को हम रिपीट करेंगे। अब इन पहले दो लूप्स में से धागे को निकाल लेंगे और इसके बाद हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए दो लूप्स का एक लूप बना लेंगे। इस कॉर्ड पैटर्न में सबसे पहले हमारे पास एक स्टिच था और अब हमारे पास दो स्टिच हैं। इस डोरी को बनाते समय हमारे पास अब हर बार दो दो स्टिचेस ही रहेंगे, सिर्फ सबसे पहले हमारे पास एक स्टिच रहता है इस तरह से। अब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे और इसी तरह से इस डोरी को बनाते जाएंगे। इस डोरी पैटर्न से हम अलग अलग कलर के फ्रेंडशिप बैंड्स, ब्रेसलेट्स और राखियाँ भी बना सकते हैं। साथ ही में हम इस डोरी को डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये डोरी बन रही है। हम इस डोरी में अलग अलग कलर्स को यूज़ करके मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। इस डोरी पैटर्न में मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट बहुत अच्छा दिखता है। तो अब हम इस डोरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये डोरी कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगी। तो आज हमने इस वीडियो में तीन अलग अलग तरह की डोरी के पैटर्न्स को बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।